वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की छात्रा संदिग्ध हालत में लापता है। तो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस लास्ट ईयर की छात्रा है अमृता सिंह, जहां पर छात्रा की स्कूटी गंगा बराज के किनारे मिली है, लेकिन अभी तक छात्रा का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो संदिग्ध हालत में लापता है, पता लगाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि छात्रा की जो स्कूटी है वो गंगा बराज के किनारे मिली है। बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त, जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की छात्रा संदिग्ध हालत में लापता है। बताया जा रहा है कि अमृता सिंह नाम है उसका, जो कि एमबीबीएस लास्ट ईयर की छात्रा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की लास्ट ईयर की छात्रा अमृता सिंह जो लापता हो गई है, फिलहाल कोई जानकारी यहां पर नहीं है। परिजनों का यहां पर हाल बुरा है। और नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीरज, कब लापता होने की जानकारी मिली और छात्रा क्या किसी हॉस्टल में रहती थी, और हॉस्टल वालों को किस तरह से पता चला, और अभी क्या अपडेट मिल रही है, पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए, आपको बता दूं, कल जो है जीएसवीएम की मेडिकल कॉलेज की छात्रा गायब हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। उसके बाद जब स्टूडेंट्स उसके साथ थे, उन्होंने जानकारी दी कॉलेज प्रबंधन को और हॉस्टल में, तो उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी जो स्कूटी है गंगा बराज पुल के पास मिली है। जो पुलिस है वो तमाम पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। गोताखोर भी गंगा के पुल उतारे गए, हालांकि किसी ने कूदते हुए नहीं देखा गंगा में छात्रा को, लेकिन गोताखोर भी लगाए गए, पुलिस भी लगाई गई है और सारी चीजों को लेकर जानकारी कर रही है। पुलिस ने जो छात्रा की साथ की स्टूडेंट से बात की है, उनका कहना है कि छात्रा बहुत ही परेशान थी कुछ दिन से लेकर, और गंगा में डूबने की बात भी कई बार कह चुकी थी। तो इन चीजों को, पहलुओं को लेकर गोताखोर जो है गंगा बराज के पास जहां पे स्कूटी मिली है वहां पे छानबीन की जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं, जो छात्र थे और उनसे आपकी बातचीत हुई, परेशानी का जिक्र किया, किस तरह की परेशानी, क्या इसका कभी जिक्र किया गया है? देखिए, अभी जो बातें सामने आ रही हैं वो परीक्षा में तनाव के चलते की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मेन चीजें क्या होंगी, मुख्य वजह क्या होगी, क्या कोई अन्य लेटर मिलता है या कुछ अन्य चीजें हैं, तो वो बाद में जांच में पता चल पाएंगी। जी, परिजनों से बातचीत हो पाई है नीरज आपके, उनको कुछ बताया? देखिए, अभी बताया जा रहा है कि छात्रा के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो अभी पहुंच रहे होंगे कानपुर, कुछ लोग उनके जो यहाँ के मिलने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मीडिया से उनकी किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी जिस तरह की नीरज स्थिति बनी हुई है, और जो बाकी जो छात्र हैं जिस तरह से बता रहे हैं कि परेशान थी और गंगा में डुबकी लगाने की, डूबने की बात भी उसने पहले की थी, अभी पुलिस क्या कुछ कह रही है, प्रथम दृष्टया में ये मामला क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से गंगा किनारे स्कूटी मिली हुई है और जो उसके साथ की छात्राओं से बातचीत की गई है, तो उसमें छात्रा के परीक्षा के चलते तनाव की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस ने गोताखोरों को उतार दिया है जहाँ पे स्कूटी मिली है वहाँ गंगा बराज पुल के पास। तो वो सारी चीजें, क्योंकि किसी ने छात्रा को कूदते हुए नहीं देखा है, तो अन्य जगहों पर भी उसकी तलाश की जा रही है, साथ ही जहाँ पे स्कूटी मिली है वहाँ गंगा बराज में भी बिल्कुल तलाश की। चलिए नीरज, नीरज आप अपडेट बना के रखिएगा, आगे भी आपसे यहाँ पर जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।